विश्व साहित्य में अब तक जितने भी श्रेष्ठ कहानीकार हुए हैं उनमें से एक है अंतोन चेखोव, और उन्हीं की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी हम पढ़ेंगे। बड़ा ही ज़ोरदार इस कहानी का एंड है, और इस कहानी के माध्यम से हमारी इंग्लिश तो हम इम्प्रूव करेंगे ही, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन इस कहानी में जो मैसेज है वो बहुत गहरा है, उसे पकड़ने का भी प्रयास हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, द बेगर, भिखारी, बाय अंतोन चेखोव। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। दया सर, रहम करो, पिटी मतलब दया करना, रहम करना। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, एक गरीब की ओर भी ध्यान दो। अटेंशन मतलब अपना ध्यान मेरी तरफ दो, टर्न मतलब बदलना। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, भूखे आदमी की तरफ देखो। फॉर 3 डेज आई हैव हैड नथिंग टू ईट, पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को नहीं है पिछले 3 दिनों से। आई हैवंट 5 copecks फॉर अ लॉजिंग, 5 copecks भी नहीं है मेरे पास कि कहीं रुक भी सकूँ, कहीं रह भी सकूँ। कॉपेक रूस की जो मुद्रा है उसे बोलते हैं कॉपेक, जैसे 1 रुपया होता है ना, और रुपया किन से, 100 पैसों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से 1 रूबल होता है, 1 रूबल 100 copecks से मिलकर बनता है। 1 copeck, 2 copeck, 3 copeck, जब 100 copeck हो जाते हैं तो उसे 1 रूबल बोल सकते हैं हम, इस तरह से समझ सकते हैं हम एक इंडियन परस्पेक्टिव से और रूस की तुलना करके। तो आई हैवंट 5 copecks फॉर अ लॉजिंग, 5 copecks भी नहीं है मेरे पास कि कहीं रुक भी सकूँ। लॉज मतलब कहीं रुकना थोड़ी देर के लिए, कहीं आवास, ठहरना। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, भगवान के आगे मैं सौगंध खा के कहता हूँ। स्वेयर मतलब कसम खाना। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 सालों से मैं एक गाँव में स्कूल टीचर था। एंड देन, और फिर आई लॉस्ट माई प्लेस, मेरी नौकरी चली गई, थ्रो इंट्रीग्स। इंट्रीग्स का मतलब होता है साजिश या फिर षड्यंत्र, साजिश के तहत या षड्यंत्र के तहत मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। आई फेल अ विक्टिम टू कैलुमनी, कैलुमनी का मतलब होता है जब किसी के प्रति हम झूठा अभियोग लगाते हैं, किसी की बदनामी करने के लिए कुछ हम ऐसे प्रयास करते हैं तो उसे बोलते हैं कैलुमनी। तो मेरे खिलाफ़ जो है झूठे आरोप लगाए गए, झूठे अभियोग लगाए गए, और मैं उन अभियोगों का शिकार हुआ। विक्टिम मतलब शिकार। आई फेल अ विक्टिम टू कैलुमनी, मैं जो है झूठे अभियोगों का शिकार हुआ। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू, लगभग 1 साल हो गया है तब से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक भिखारी है, और इस भिखारी के इस कथन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ हमारी स्टोरी शुरू होती है। अब देखते हैं आगे। द एडवोकेट, वकील सरजई, लुक्ड एट द रैगेड फान कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लियंट। द एडवोकेट, तो बेगर जो है जिस व्यक्ति से मांग रहा था वो कौन था, वो था एक एडवोकेट, और उसका नाम है सरजई। लुक्ड एट द रैगेड, रैगेड का मतलब फटे पुराने कपड़े, जिनको चिथड़े बोल सकते हैं हम। तो सरजई जो था, जो कि वकील था, उसने देखा कि कोई व्यक्ति जो कि फटे पुराने कपड़े से जिसने पहने हुए हैं, फान कलर्ड ओवरकोट, फान कलर्ड मतलब होता है हल्के पीले रंग का, फान कलर्ड ओवरकोट, कोट जिसने पहना हुआ था, ऑफ द सप्लियंट, सप्लियंट का मतलब होता है याचक। एट हिज डल ड्रंकन आइस, उसकी सुस्त सुस्त सी आँखें, ड्रंकन आइस, डूबी डूबी सी आँखें, उसकी डूबी डूबी आँखें, उसका बुझा बुझा सा चेहरा, उसके फटे पुराने से कपड़े, इनकी तरफ जो है एडवोकेट ने देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, दोनों गालों पे जो है कुछ निशान से बने हुए थे। स्पॉट मतलब जगह, मतलब कुछ निशान होना, स्पॉट कुछ जगह। ऑन आइदर चीक, प्रत्येक गाल पर कुछ लाल लाल रंग के निशान बने हुए थे भिखारी के। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उस एडवोकेट को ऐसा लगा एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, उस एडवोकेट को ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, इस आदमी को। इट सीम्ड टू हिम, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, लगता है पहले भी कहीं इस आदमी को देखा है, ऐसा वकील के दिमाग में विचार आया। आगे देखते हैं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन, भिखारी अपनी बात जारी रखता है। आई हैव नाउ
had an offer of a position in the province of Kaluga. कालूगा नाम का जो प्रांत है उस प्रांत में अब मुझे जो है एक नौकरी मिलने की आशा है. वहाँ मुझे जो है ऑफ़र की गई है, एक पोजीशन मुझे ऑफ़र हुई है, एक नौकरी मुझे ऑफ़र हुई है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफ़र ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालूगा. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. मेंडिकेंट मतलब भिक्षुक, याचक, उसी भिखारी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है. तो भिखारी ने अपनी बात जारी रखी कि मुझे जो है कालूगा नामक प्रांत में एक नौकरी ऑफ़र हुई है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सकूँ. हेल्प मी काइंडली, कृपा कर मेरी मदद करो. आई एम अशेम्ड टू आस्क, बड़ा शर्मिंदा हूँ पूछने में. बट लेकिन आई एम ऑब्लीग्ड टू. ऑब्लीग्ड टू, थोड़ा ध्यान देना, ये ऑब्लीग जो शब्द है ना इसका मतलब होता है बाध्य होना. आप जब किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य होते हो ना तब बोलते हो आप ऑब्लीग, और ऑब्लीग के पीछे अक्सर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. आई एम ऑब्लीग्ड टू बाय सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों के कारण जो है मैं बाध्य हूँ. मांगते हुए मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन क्या करूँ, परिस्थितियाँ ऐसे ही है कि मैं बड़ा बाध्य हूँ, इसके कारण जो है आपसे मांगता हूँ. सर्जेईस आईज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज. वकील सर्जेई की आंखें जो है अचानक उस याचक के, उस भिखारी के जूतों पर गई. ओवर शूज, ओवर शूज़ का मतलब होता है कुछ वाटर प्रूफ जूते होते हैं, ये एक तरह के जो रबर से बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं ओवर शूज़. तो वकील एडवोकेट, उसकी आंखें अचानक भिखारी के जूतों पर गई. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो. उनमें से एक जूता तो ऊंचा था और एक नीचा था. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक उसे कुछ याद आया. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. लुक हेयर, सर्जेई ने भिखारी से कहा, लुक हेयर. इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, आई मेट यू, मैं तुमसे मिला, द डे बिफोर यस्टरडे. मुझे लगता है मैं तुम्हें परसों मिला था. आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सादोव्या स्ट्रीट. सादोव्या की गली में जो है मैं तुमसे मिला था परसों, याद है तुम्हें, इधर देखो मेरी तरफ. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट. लेकिन उस समय तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो. Who had been expelled, जिसे कि स्कूल से निकाल दिया गया था. And not a village school teacher, तब तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो, और अब तुम बता रहे हो कि स्कूल टीचर हो, तब तुमने स्कूल टीचर का नाम नहीं लिया था. Do you remember, तुम्हें याद है. No, that can't be so, mumbled the beggar. No, अचानक उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई. Mumbled मतलब होता है बोलते बोलते हटक जाना, लड़खड़ा जाना थोड़ा सा. तो भिखारी जो है अचानक उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई. नो, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता, मम्बल्ड द बेगर. बेगर अचानक लड़खड़ाया. टेकन अबैक का मतलब होता है भौचक्का रह जाना. वो ये बात सुन के पता नहीं जैसे चोरी पकड़ी गई हो, बिल्कुल भौचक्का सा रह गया. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. मैं गांव का एक स्कूल टीचर हूँ, और अगर आप चाहें, एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं तुम्हें अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ. हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोलना बंद करो. यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने मुझे स्टूडेंट कहा था, तुमने बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो. एंड इवन टोल्ड मी, और तुमने तो यहाँ तक कहा था वाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. तुमने तो मुझे कारण भी बताया था कि तुम स्टूडेंट हुआ करते थे और तुम्हें किस कारण से स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था. तुमने मुझे ये भी बताया था वाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है. आगे देखते हैं. सर्जेई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैगेड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट. सर्जेई को जो है, मतलब ये जो हमारा सर्जेई है, अचानक जो है बिल्कुल वहाँ से मुड़ गया गुस्से के अंदर. फ्लश्ड का मतलब होता है लाल पीला हो जाना, बिल्कुल गुस्से के मारे जब लाल हो जाते हैं ना आपका गाल और आपका चेहरा, तो उसे बोलते हैं फ्लश्ड. एंड टर्न्ड, और वहाँ से उसने अपनी दिशा बदल ली. सर्जेई जो कि एडवोकेट था, उसे गुस्सा आया, लाल पीला हो गया, और वहाँ से उसने अपनी दिशा बदल ली. फ्रॉम द रैगेड क्रिएचर, रैगेड क्रिएचर मतलब भिखारी के लिए आया है ये शब्द रैगेड क्रिएचर, वह व्यक्ति जो कि फटे पुराने चीथड़ों में खड़ा हुआ था उसके सामने. वहाँ से सर्जेई ने अपनी दिशा बदल ली विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, और सर्जेई वकील
जो था एडवोकेट जो था उसके चेहरे पे जो है कैसे भाव थे, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, नफरत के भाव थे। डिस्गस्ट मतलब होता है नफरत के भाव होना, चेहरे पे जब नफरत के भाव होते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्गस्ट। दिस इज डिसऑनेस्टी, एडवोकेट ने भिखारी से कहा, ये तो महा पक्की बेईमानी है। माई डियर सर दिस इज डिसऑनेस्टी, ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से बोला, दिस इज स्विंडलिंग, ये तो धोखाधड़ी है। स्विंडल SWINDLE, स्विंडल का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। दिस इज स्विंडली, ये तो धोखाधड़ी है। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा। डैमन यू, DAMN, डैमन। डैमन शब्द का प्रयोग हम करते हैं जब किसी को अभिशाप देना होता है ना हमें, जैसे कि किसी को धिक्कारते हैं ना कि अरे साले नरक में जा, भाड़ में जा, इस तरह के शब्द जब हम कहना चाहते हैं, इस तरह की भावना जब हम प्रकट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं शब्द का डैमन। अरे तुम मतलब क्या बोलूँ तुम्हें, इतना गुस्सा आ रहा है तुम पे। तो इस तरह से एडवोकेट ने उस भिखारी को धिक्कारा। सर ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अब भिखारी ने बोला सर, और अपना हाथ उसने अपने दिल पे रख लिया। द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, न तो मैं स्टूडेंट हूँ न मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब मैंने गढ़ा था, ये सब कपोल कल्पित था। फिक्शन मतलब झूठ, झूठ था ये सब कुछ, मैं झूठ बोल रहा था, सब कुछ मैंने गढ़ा था। अब सुनो, अगर आप जानना ही चाहते हो तो सही बात क्या है, फॉर्मरली पहले, फॉर्मरली मतलब कोई व्यक्ति जो पहले हुआ करता था, फॉर्मरली तो पहले आई सैंग इन अ रशियन चोयर, CHOIR, चोयर। चोयर का मतलब होता है एक गायक मंडली जो होती है ना, कुछ लोग होते हैं वो भजन वजन गाते फिरते हैं, तो उसको, उस मंडली को बोलते हैं चोयर। तो मैं जो है एक गायक हुआ करता था, एक रशियन मंडली जो हुआ करती थी कीर्तन मंडली, उसमें मैं एक गायक हुआ करता था, मैं उसमें गाता था। आई संग इन अ रशियन चोयर एंड वाज सेंट अवे, और मुझे वहाँ से भेज दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। सेंट अवे मतलब मुझे उस मंडली से दूर कर दिया गया, फॉर ड्रंकननेस, मेरी शराब पीने की आदत के कारण। बट वाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बिने बिला, झूठ बोले बिना चल ही नहीं सकता। आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं लोगों से सच कहता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताओ। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर्जेई, एडवोकेट को बड़ा गुस्सा आया। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए बोला उसने, वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, काम, तुम काम कर सकते हो और यही तुम्हें करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, काम, हाँ आई नो दैट माई सेल्फ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे काम मिल कहाँ सकता है। How would you like to chop wood for me? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? How would you like to? इस शब्द को देखो, would you like to? Would you like to का मतलब होता है क्या तुम पसंद करोगे? Would you like to come with me? क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? Would you like to go there? क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगे? तो इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। How would you like to chop wood for me? और chop का मतलब होता है काटना। जब लकड़ियाँ हम काटते हैं ना तो उसको बोलते हैं chopping the wood, लकड़ियाँ काटना। How would you like to chop wood for me? तो क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? एडवोकेट भिखारी को प्रस्ताव देता है। I would not refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. I wouldn't refuse to do that. मैं ये काटने से मना तो बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं मना करूँगा मैं ये काटने से, refuse मतलब इनकार करना। But in these days, लेकिन इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कटर्स, स्किल्ड वुड कटर्स, दक्ष लकड़हारे भी जो हैं इस इन दिनों, फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। इन दिनों के जो हालात हैं ना वो तो ऐसे हैं कि जो कुशल लकड़हारे हैं उन कुशल लकड़हारों को भी काम नहीं मिल रहा है और वे बिना किसी रोटी के बैठे हुए हैं। देखो भिखारी को कितना ज्ञान है, एडवोकेट को बता रहा है कि मैं काम तो करूँगा, मैं मना तो नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ चलने को राजी हूँ। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों अच्छे से अच्छे जो लकड़हारे हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, वो भी बिना किसी ब्रेड के बैठे हुए हैं।
विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे या नहीं, ये बताओ तुम तो पहले। यस सर आई विल, मुझे ऐसा लग रहा है कि भिखारी बेचारा फंस गया। हाँ 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 सर, मैं काटूंगा, मैं आऊँगा, जरूर 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 चलूँगा। वेरी वेल, अच्छी बात है, वी विल सून फाइंड आउट, चलो जल्दी ही हम देखते हैं। सरजेई हैज टर्न्ड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सरजेई हैज टर्न्ड अलोंग, अलोंग का मतलब होता है किसी के सहारे सहारे जब आप चलते हो ना, जैसे रोड के किनारे किनारे आप चलते हो तो बोलेंगे अलोंग। तो सरजेई हैज टर्न्ड अलोंग, सरजेई धीरे धीरे चला, रबिंग हिज हैंड, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए धीरे धीरे। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, सरजेई ने अपनी जगह पर पहुंच के या अपने घर पहुंच के अपने कुक को जो है आवाज़ दी किचन से बाहर आने के लिए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। हेयर ओल्गा, अब ये ओल्गा जो है ना, ये इसका सेवक है। कौन का? सरजेई, एडवोकेट जो है ओल्गा को बुलाता है। ओल्गा जो है एक स्त्री है। ओल्गा, हेयर ओल्गा, ही सेड, ओल्गा इधर आओ, टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। ये जो जेंटलमैन है, भिखारी की तरफ इशारा करके एडवोकेट बोलता है ओल्गा को कि ये जो जेंटलमैन है, टेक दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को लो इन टू द वुड शेड, इसे हमारी उस जगह पे ले जाओ जहाँ की लकड़ियाँ काटने की छाया बनी हुई है। वुड शेड मतलब एक ऐसा स्थान, शेड मतलब होता है कोई छायादार स्थान, वुड शेड मतलब एक ऐसी छायादार स्थान जो कि लोग बाग अपनी लकड़ियाँ काटने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं वुड शेड। एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे वहाँ पे दिखा दो, ये वहाँ लकड़ियाँ काटेगा, इसे वहाँ ले जाके लकड़ियाँ काटने दो। लेट हिम, लेट शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी चीज़ को अलाउ करने के लिए। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम चॉप वुड, उसे लकड़ियाँ काटने दो। हेयर ओल्गा, तो वह ओल्गा को बुलाता है सरजेई एडवोकेट, टेक दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में और जाके इसे वहाँ पर ले जाओ और इसे वहाँ लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स। स्केयर क्रो, क्या होता है स्केयर क्रो? स्केयर का मतलब होता है डराना या भयभीत करना किसी को, SCARE, स्केयर। क्रो का मतलब कौआ। स्क्रेयर क्रो का मतलब होता है, आपने देखा होगा खेतों में क्या करते हैं हम, एक पुतला सा लगा देते हैं, झूठा सा, एक आदमी का झूठा मोटा पुतला बना के लगा देते हैं पक्षियों को भगाने के लिए, इसे हिंदी में बोलते हैं काक भगोड़ा, तो इसे ही बोलते हैं स्केयर क्रो। यहाँ पे लेखक ने एक मजाक के रूप में उपयोग किया है स्केयर क्रो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर, तो जो बेगर है उसको बोला है कि वो बेगर ऐसा लग रहा था जैसे काक भगोड़े की तरह लग रहा था, वो एक बिजुके की तरह लग रहा था। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर। श्रग्ड, SHRUGGED, श्रग्ड का मतलब होता है कंधों को उचकाना, जैसे आपकी मम्मी आती है रसोई में, देखती है पूरा सामान फैला हुआ है और आपसे पूछती है कि किसने फैलाया है सामान, तो आप कंधे उचका के जवाब देते हो, मुझे क्या पता। कंधे उचकाते हो, मुंह बनाते हो थोड़ा सा और बोलते हो अपने कंधों को उचकाते हो, मुझे क्या पता, तो उसे बोलते हैं श्रग्ड। श्रग्ड मतलब कंधे उचकाना हल्के से। तो अब इस लाइन को देखते हैं, द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर, भिखारी जो कि काक भगोड़े की तरह लग रहा था, उसने अपने कंधे उचकाए, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि मानो दुविधा में हो, परप्लेक्सिटी मतलब दुविधा में होना, एंड वेंट इरिसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और कुक के पीछे पीछे गया। इरिसोल्यूटली, इस शब्द को देखो, रिसोल्यूट, RESOLUT, रिसोल्यूट का मतलब होता है निर्णय करना, रिसोल्यूशन मतलब निश्चय कर लेना, तो वह कुक के पीछे तो गया लेकिन इरिसोल्यूटली, बिना किसी दृढ़ निश्चय के, मतलब जाना पड़ा अब क्या करें। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, फ्रॉम हिज गेट, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, उसकी जो चाल थी, उसका जो चलने का ढंग था, उसकी जो चाल ढाल थी, उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था, गेट का मतलब होता है चाल, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब होता है सहमति देना, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि वह जाने के लिए उसकी सहमति तो नहीं दिखाई पड़ रही थी, उसकी चाल देख के ही लग रहा था कि वह जाना तो नहीं चाहता था, एंड चॉप वुड, और नहीं लकड़ी काटना चाहता था, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, इसलिए नहीं जाना चाहता था वो कि वह हंग्री था और उसे काम की ज़रूरत थी।
यह भिखारी को देख के स्पष्ट रूप से बिल्कुल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्पष्ट उसकी चाल को देख के, कि न तो वह सहमत था, न वह जाना चाहता था लकड़ी काटने, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क। ये बात नहीं थी कि वह भूखा था और काम की उसे ज़रूरत थी इसलिए वह नहीं जा रहा था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। लेकिन अब क्या करे, गर्व के मारे और शर्म के मारे उसे जाना पड़ा, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, ट्रैप ट्रैप का मतलब होता है जाल, तो अपने शब्दों के जाल में ही वह फंस गया था। भिखारी ने सरजे को कहा था ना कि ठीक है मैं चलने को तैयार हूं, अगर आपको लगे, मैं तो काम करना चाहता हूं लेकिन कोई मुझे काम दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। और जब एडवोकेट ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूं, तो भिखारी फंस गया बेचारा। तो इसलिए जो है कुक के पीछे पीछे वो गया तो सही, लेकिन बड़े ही अनिच्छुक मन से गया, क्योंकि अपने ही कहे गए शब्दों के जाल में वह फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस, यह बिल्कुल स्पष्ट था। इट वॉज ऑब्वियस टू, अब यह भी बिल्कुल स्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। वोडका, वोडका का मतलब रूस में शराब को वोडका बोलते हैं। दैट हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत थी, हैड बीन अंडरमाइंड, वह कम हो गई थी। अंडरमाइन होता है कम हो जाना किसी चीज में, कम आंकना किसी चीज को या किसी चीज में कमी आना। तो उसकी ताकत भी जो है वोडका के कारण, शराब के कारण कम हो गई थी। एंड दैट कि ही वॉज अनहेल्थी एंड डिडंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉय, कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, वो अनहेल्थी था और उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। इंक्लिनेशन का मतलब होता है रुझान होना, और उसका जरा भी रुझान नहीं था। एंड ही डिडंट फील, उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता था, थोड़ा सा भी रुझान नहीं था उसका कठिन परिश्रम के लिए। टॉयल, TOIL, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम। तो न तो उसमें ताकत थी, बिल्कुल अनहेल्थी हो रहा था, और न उसका बिल्कुल भी रुझान था कठिन परिश्रम करने के लिए। सर्जेई हरेड इनटू द डाइनिंग रूम, एडवोकेट जो था वह अपने भोजन कक्ष में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। भोजन कक्ष की खिड़की से कोई भी व्यक्ति वुड शेड को आसानी से देख सकता था, और पिछवाड़े में जो बाड़ा था, बाड़ा जो बना हुआ था, उस बाड़े में क्या क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वह भी वहाँ से आसानी से देखा जा सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़े होकर, सरजेई ने देखा, एडवोकेट ने देखा, सरजेई सा द कुक एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड। सरजेई ने देखा कि कुक और बेगर दोनों की दोनों बाड़े में आ गए हैं। यार्ड मतलब बाड़ा, एक आपके घर के पीछे जो खाली सी जगह होती है ना बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं यार्ड। तो सरजेई ने देखा कि कुक और बेगर दोनों की दोनों बाहर आ गए थे यार्ड में, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड मेक देयर वे, और धीरे धीरे चल रहे थे, मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। अब देखो कहानी की जगह कौन सी है, रूस। रूस जो है इस कहानी का, कि कहानी जो है हमारी रूस में घट रही है, तो रूस में आपको पता होना चाहिए खूब बर्फ गिरती है। तो भिखारी और कुक दोनों की दोनों अक्रॉस, ये अक्रॉस जो शब्द आता है ना, इस अक्रॉस शब्द का प्रयोग होता है एक छोर से दूसरे छोर पे जब जाते हैं ना आप, तब बोलते हैं अक्रॉस। किसी रोड के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक आप जाएंगे तो बोलेंगे कि अक्रॉस द रोड, गली के एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे तो अक्रॉस द स्ट्रीट, देश के एक छोर से दूसरे छोर पे आएंगे तब बोलेंगे अक्रॉस। तो वे दोनों जो है जा रहे थे अपने रास्ते पे, अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, गंदी सी बर्फ़ से लेके और जो शेड बना हुआ था लकड़ी का काटने का, वहाँ तक जो है वो जा रहे थे, उस रास्ते पर जा रहे थे। ओल्गा, ओल्गा कौन है, कुक, एडवोकेट जो है उसकी कुक का नाम है ओल्गा। ओल्गा ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मतलब होता है देखना। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली, WRATH, रैथ का मतलब होता है गुस्से से। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली, ओल्गा ने देखा बिल्कुल गुस्से से भिखारी की तरफ। एट हर कंपेनियन, कौन था उसका कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, भिखारी। तो ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, ओल्गा ने बड़े ही गुस्सेलेपन से अपने साथी की ओर देखा। शोव्ड हिम, SHOVE, अब शोव का मतलब क्या होता है, आप अपनी जो कोहनी होती है ना हाथ की, उससे किसी को हल्का सा धक्का मारते हो ना, उसको बोलते हैं शोव्ड। शोव्ड हिम असाइड, असाइड का मतलब एक तरफ कर देना। तो उसने अपनी कोहनी से उसे एक तरफ किया, विद हर एल्बो,
शॉव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो, गुस्से में थी वो, उसकी तरफ देखा और अचानक जो है थोड़ा सा उसको धक्का दिया अपनी कोहनी से, उसे थोड़ा सा दूर किया, एक तरफ कर दिया उसे। अनलॉक्ड द शेड, शेड में वो पहुंचे, अनलॉक खोलना, अनलॉक का मतलब शेड को खोला। एंड एंग्रीली बैंगड द डोर, और जोर से धक्का मारा, गुस्से में जो है आके दरवाजे को पीटा। बैंग का मतलब होता है एक धक्का सा मारना, जब आप दरवाजे को बुरी तरह से बंद करते हो या बुरी तरह से खोलते हो ना, तो उसको बोलते हैं बैंग, BANG। तो ओल्गा ने अपने साथी की तरफ बड़ी गुस्साई दृष्टि से देखा, उसे जो है अपनी कोहनी से थोड़ा सा एक तरफ हटाया, शेड को खोला और दरवाजे को जो है बुरी तरह से धक्का मार के खोला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ही सा द स्यूडो टीचर, सरजई जो है अपनी खिड़की से देख रहा है। नेक्स्ट ही सा, अब उसने क्या देखा, द स्यूडो टीचर, स्यूडो का मतलब होता है छद्म, वह भिखारी जो कि एक छद्म रूप से टीचर बना हुआ था, स्यूडो मतलब एक तरीके से नकली। तो सरजे ने क्या देखा कि वो जो स्यूडो टीचर, उसके सामने झूठा टीचर जो बनने का नाटक कर रहा था भिखारी, वो है सीट हिमसेल्फ, बैठ गया था ऑन अ लॉग, लॉग का मतलब होता है गट्ठर। तो सरजे ने अपने विंडो की खिड़की से देखा कि वह जो टीचर जो कि झूठा टीचर था, जो भिखारी था, वह अपने एक लॉग पे बैठ गया। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में खो गया, विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, FIST, फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है जब आप अपने हाथ को बंद कर लेते हो ना, मुट्ठी बना लेते हो। तो उसने क्या किया, लकड़ी के एक गट्ठर पे या लकड़ी का एक बड़ा सा जो डंठल था उसके ऊपर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को मुट्ठियाँ बांध के अपने गालों पर लगा दिया, यानी कि अपने गालों को जो है अपने दोनों हाथों पे बिल्कुल रख के और इस तरह से बैठ के और देखने लगा। द वीमैन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, फ्लंग FLUNG, एक शब्द होता है फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना, फ्लंग डाउन नीचे की ओर फेंकना। तो वो जो वीमेन थी, ओल्गा जो थी, उसने क्या किया, अचानक एक कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास फेंकी। द वीमेन फ्लंग डाउन, डाउन का मतलब नीचे, उसके पैरों के पास में उसने कुल्हाड़ी फेंकी। द वीमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, स्पैट एंग्रिली, थूका उसने, स्पिट का मतलब थूकना, ये सेकेंड फॉर्म है स्पैट, स्पैट एंग्रिली, गुस्से के मारे उसने थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और वह भिखारी उसे अपने होठों के माध्यम से जज करते हुए, जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, तो वह जो औरत थी वह अपने होठों के माध्यम से कोई अभिव्यक्ति दे रही थी, जज कर रही थी, निर्णय कर रही थी। बिगन टू स्कॉल्ड हिम, उसे डांटने लगी, उसे डांटने फटकारने लगी, स्कॉल्ड का मतलब किसी को डांटना फटकारना। द बैगर इररिसोल्युटली, द बैगर इररिसोल्युटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवार्ड्स हिम, भिखारी ने क्या किया, बड़े ही अनमने भाव से, इररिसोल्युटली मतलब, रिसोल्युटली मतलब पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, और इररिसोल्युटली मतलब बिना किसी निश्चय के, अनमने मन से। द बैगर इररिसोल्युटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड, बिलेट का मतलब क्या है यहाँ पे, बिलेट का मतलब भी यहाँ पे लकड़ी का गट्ठर से ही संबंधित है, बिलेट, तो बिलेट शब्द का मतलब यहाँ पे लकड़ी का गट्ठर ही है। तो बड़े ही अनमने ढंग से उसने एक लकड़ी का गट्ठर जो है अपनी ओर खींचा, पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवार्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, किसी तरह से उस लकड़ी के गट्ठर को अपने पैरों के बीच में जमाया। एंड टैप्ड, टैप्ड का मतलब होता है TAPPED, टैप्ड का मतलब होता है मारना, चोट करना, जैसे आप किसी व्यक्ति को शाबाशी देते हो तो उसके कंधे पे धीरे धीरे हाथ फेरते, हाथ जोर से थपथपाते हो ना, तो उसको बोलते हैं टैप। और जब आप ये लकड़ी काटते हो, कुल्हाड़ी को जो है ले जाके आप गट्ठर पे मारते हो, तो इसे भी बोलते हैं टैप, हल्के से मारना, हल्के हल्के मारना, तो उसे बोलते हैं टैप। तो वह कुल्हाड़ी लेके गया, ऊपर से नीचे लेके आया और धीरे से कुल्हाड़ी उसने लकड़ी के गट्ठर पे मारी। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीबली, FEEBLY, फीबली मतलब कमजोर रूप से, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगाई, बहुत ही कमजोर रूप से, विथ द एक्स, एंड टैप्ड इट फीबली विथ द एक्स, लकड़ी का गट्टर लिया अपने पैरों के बीच में जमाया और हल्के से जो है उसको टैप किया, हल्के से जो है उसने कुल्हाड़ी ऊपर से लेके कमजोर ढंग से जो है लेके आया कुल्हाड़ी को और लकड़ी को काटने का प्रयास किया। द बिलेट, जो लकड़ी का गट्टर था, वेवर्ड एंड फेल डाउन, वेवर्ड मतलब हिला डुला लकड़ी का गट्ठर, एंड फेल डाउन और फिर नीचे गिर गया, फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म, फेल डाउन, फेल डाउन मतलब किसी चीज़ का नीचे गिर जाना, फेल डाउन मतलब गिर गया।
द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, भिखारी ने दोबारा से उस लकड़ी के गट्ठर को अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, ब्लू ऑन, ब्लू ऑन का मतलब होता है फूंक मारी उसने जोर से अपने हाथों पे, जो कि जमने लग गए थे। क्यों? क्योंकि ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। आप हमने देखा ना अभी कि बर्फ़ जमी हुई थी चारों तरफ, तो ब्लू ऑन उसने फूंक मारी अपने हाथों पे जो कि जमने लगे थे। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और दोबारा से लकड़ी के गट्ठर पे उसने प्रहार किया बड़े ही सतर्कतापूर्वक। कॉशियसली मतलब ध्यान रखते हुए कि लकड़ी का गट्ठर गिर ना जाए। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। तो बड़े ही सतर्कतापूर्वक वह जो है लकड़ी को काट रहा था, डर लग रहा था उसे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुल्हाड़ी जो है सीधे पैर पे जा लगे और उसकी पैर की उंगली कट के अलग हो जाए। एज इफ अफ्रेड, जैसे कि मानो उसे डर लग रहा हो। अफ्रेड ऑफ, ध्यान रखना अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ अक्सर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अफ्रेड ऑफ, जब आप किसी को किसी चीज़ से जब भय होता है ना तब आप अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल करते हो। एज इफ, ऐसा लगा मानो अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू, उसे डर लग रहा हो कि कहीं वह जो है अपने पैर की उंगली ना काट डाले। कटिंग ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कट के अलग ना हो जाए, तो उसे बोलते हैं कटिंग ऑफ। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, लकड़ी की जो स्टिक थी वह दोबारा से जो है जमीन पे गिर पड़ी। सर्जेस एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड। सर्जेस एंगर हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाना, एक तरीके से बिल्कुल गायब हो जाना। तो एडवोकेट जो था उसका गुस्सा गायब हो चुका था। एंड ही नाउ बिगन टू फील, और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था अ लिटिल सॉरी, उसे अपने आप में ही थोड़ी सी, अपने आप में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, अपने आप में उसे शर्म आने लगी थी। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, एडवोकेट को अपने आप पे ही शर्म आने लगी थी फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है एक बर्बाद हो गया व्यक्ति। तो सर्जेई को अपने आप पे शर्म आने लगी थी कि यार मैंने एक ऐसे आदमी को सेट कर दिया जो कि पहले से ही बर्बाद है, ड्रंकन है, शराबी है, पर हैव सिक मैन, और जहाँ तक कि बीमार है वो आदमी, पर हैव सिक मैन टू वर्क, और मैंने ऐसे आदमी को काम करने के लिए लगा दिया, और वो भी एट मीनियल लेबर। मीनियल लेबर, लेबर का मतलब तो आप जानते हैं श्रम होता है, मीनियल का मतलब होता है क्षुद्र। मीनियल लेबर मतलब एक ऐसा काम जिससे कि व्यक्ति जो है, लोग बाग जो है, हिकारत की नज़र से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा काम जिससे कि व्यक्ति छोटा काम समझते हैं, जिसकी इज्जत नहीं होती जिस काम की। तो सर्जे ने अपने आप में ऐसा महसूस किया, सर्जे को अपने आप में शर्म आने लगी कि यार मैंने एक बिगड़े हुए आदमी को, एक शराबी को, एक बीमार आदमी को एक ऐसे काम में लगा दिया है जिसे कि कोई नहीं करना चाहता, एक शुद्ध काम में लगा दिया है, और वह भी कोल्ड के टाइम पे। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन, एक घंटे बाद ओल्गा डाइनिंग रूम में आई एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, कि सारी लकड़ियाँ काट दी गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है उसे ऐसा करो आधा रूबल दे दो। मैंने बताया था आपको पहले भी कि रूबल को आप एक तरीके से मान सकते हैं एक रुपया, तो हाफ ए रूबल का मतलब एक तरीके से आप समझते हैं, समझ सकते हैं कि अठन्नी हो गई, और कॉपेक मैंने बताया कि लगभग ऐसा समझ सकते हैं आप 100 कॉपेक से मिलके एक रूबल बनता है। तो गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, यह भी पता होना चाहिए आपको कि स्टोरी जो है लगभग 100-200 साल पुरानी है, तो काफ़ी महत्व रखते हैं इतने पैसे भी उस टाइम पे। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, उसे आधा रूबल दे दो, सेड सर्जेई, सर्जेई ने कहा। इफ ही वांट्स टू, और अगर वो चाहे, इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक, वह वापस आ सकता है, एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और प्रत्येक महीने के पहले दिन को आके वह लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए जो है कार्य ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह के निर्देश जो है सर्जेई ओल्गा को देता है कि अगर वह चाहे तो हर महीने के पहले दिन आ सकता है और लकड़ियां काट सकता है, हम उसके लिए जो है काम ढूंढ ही सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ, WAIF, वेफ का मतलब एक ऐसा बच्चा होता है जिसके कि पास घर नहीं होता, जो कि त्यागा हुआ बच्चा होता है, एक अनाथ बच्चा जिसके कि कोई मतलब घर नहीं होता जिसके पास रहने के लिए, उसे बोलते हैं वेफ, आवारा बच्चा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, तो महीने के पहले दिन द वेफ, भिखारी के लिए यहाँ
वेफ शब्द आया है, वेफ मेड हिज अपीरियंस, तो महीने के पहले दिन वेफ फिर आया एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल, और फिर से उसे जो है आधा रूबल मिला, आधा रूबल उसने कमाया। ऑल दो यद्यपि ही कुड बेयरली स्टैंड, बेयरली मतलब मुश्किल से, यद्यपि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, ऑल दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, कि बड़ी मुश्किल से वह अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन, और फिर उस दिन से आगे लगातार ऐसा क्रम चलता रहा, ही ऑफन अपीयर्ड, कि वह अक्सर आ जाता था, अपीयर होता था, प्रस्तुत होता था, प्रकट होता था इन द यार्ड, यार्ड में आ जाता था, एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हमेशा उसके लिए काम मिल ही जाया करता था। नाउ ही वुड शोवेल स्नो, शोवेल स्नो, एस एच ओ वी ई एल, शोवेल, शोवेल का मतलब होता है जैसे फावड़ा होता है ना, फावड़ा, तो उससे आप क्या करते हो, जैसे फावड़े से आप क्या करते हो कि मिट्टी को हटाते हो ना, तो इसी प्रकार से क्या है कि एक उपकरण के माध्यम से, फावड़े की तरह का ही एक उपकरण होता है, तो उसी उपकरण से वो क्या करता था, जो बर्फ़ जम जाया करती थी ना बहुत ज़्यादा, उसको हटा दिया करता था। नाउ ही वुड शोवेल स्नो, बर्फ़ को वो हटा दिया करता था इधर उधर। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और लकड़ी काटने की जो जगह बनी हुई थी उसको भी जो है ठीक कर दिया करता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रैग्स एंड मैट्रेसेस, इसके अलावा और क्या काम कर दिया करता था वो, रग्स, रग्स का मतलब होता है कालीन, मैट्रेसेस, मैट्रेसेस का मतलब होता है गद्दे। इसके अलावा बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, जो कालीन थे या जो गद्दे थे उनमें से वह धूल भी झाड़ दिया करता था, तो ये काम भी अब वो करने लगा था। एवरी टाइम, हर बार ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसे लगभग 20 या 40 कॉपेक्स मिल जाया करते थे। एंड वंस, और एक बार तो ऐसा हुआ, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, कि उसे एक जोड़ा क्या मिल गया, पुराने ट्राउजर्स का भी उसके लिए भेज दिया गया। ट्राउजर मतलब पैंट, पहनने का जो ट्राउजर होते हैं, पैंट होते हैं, एक जोड़ा वो भी उसे मिला, वह भी उसके लिए भेज दिया गया। व्हेन सर्जे मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सर्जे दूसरे घर में गया, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, तो उसने क्या किया, उस भिखारी को किराए पर लिया, हायर्ड मतलब किराए पर लेना, तो उसने उसी भिखारी को हायर किया ताकि वह भिखारी मदद कर सके पैकिंग करने में एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। हॉलिंग, हॉलिंग का मतलब होता है घसीटना या खींचना, जब आप पैकिंग वैकिंग करते हो ना तो उसी टाइम पे जो है आपको ये सब करना पड़ता है, तो फर्नीचर को घिसना पड़ता है, घसीटना पड़ता है, धक्के मारना पड़ता है, तो उसके लिए आया है शब्द हॉलिंग। तो सर्जे ने उसे हायर किया ताकि वह पैकिंग में मदद कर सके और फर्नीचर को इधर से उधर धक्का दे सके, रख सके। दिस टाइम द वेफ वाज सोबर, इस बार द वेफ वाज सोबर, बड़ा ही शांत नजर आ रहा था, सोबर मतलब शांत, ग्लूमी मतलब उदास, एंड साइलेंट मतलब बिल्कुल चुप, तो इस टाइम जो वो भिखारी था वो बिल्कुल ही शांत, उदास और बिल्कुल चुपचाप नजर आया। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने बड़ी मुश्किल से जो है फर्नीचर को टच किया, एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और वैगन जो थे, वैगन मतलब, वैगन का मतलब होता है सामान गाड़ी जो होती है ना उसको बोलते हैं वैगन, तो वह जो सामान की गाड़ी थी उसके पीछे जो है अपने सिर को लटकाए हुए धीरे धीरे चल रहा था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रेटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, प्रेटेंस, प्रेटेंस का मतलब होता है बहाना बनाना, PRETENSE, प्रेटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, मतलब उसने यह बहाना भी नहीं बनाया कि मैं जो है बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, चुपचाप वह जो है गाड़ी के पीछे चल रहा था, बिल्कुल एकदम शांत शांत सा, बिल्कुल उदास उदास सा, इस तरह की दिखा भी नहीं रहा था वो कि मैं बिजी हूँ। ही Only shivered in the cold, ठंड के मारे वह बस कांप रहा था। He only shivered in the cold, वह सिर्फ कपकपाया ठंड में। And became embarrassed. Embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, और शर्मिंदा हो गया। When the carters, carters मतलब गाड़ी चालक, cart, cart का मतलब गाड़ी, bullock cart मतलब बैलगाड़ी, तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, भिखारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, जब कार्टर्स जीर्ड एट हिम, जब
गाड़ी वाहक ने उसका मजाक बनाया। जीर डैट, जीर डैट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, और जीर के साथ प्रीपोजिशन प्रयोग होता है एट, तो जीर्ड एट हिम। जब गाड़ी वाहक ने उसका मजाक बनाया, उसकी तरफ जो है इशारा करके उसका मजाक बनाया, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। किस बात के लिए मजाक बनाया गाड़ी वाहक ने? फॉर हिज आइडलनेस, उसके आलस्य के लिए, उसकी अकर्मण्यता के लिए, हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी के लिए, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसका फटा हुआ जो ओवरकोट उसने पहन रखा था उसके लिए। जब कार्टर ने भिखारी का मजाक उड़ाया तो भिखारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब सब कुछ पैक हो गया सामान और गाड़ी चली गई, सरजेई सेंट फॉर हिम, सरजेई ने भिखारी को बुलाया। वेल, खैर, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शब्दों का प्रभाव तुम पर हुआ, ही सैड, हैंडिंग हिम अ रूबल। एडवोकेट ने भिखारी को एक रूबल दिया, एक रूबल देते हुए उसे कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शब्दों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुआ। हेयर इज, और एक रूबल उसे देते हुए कहा, हेयर इज फॉर योर पेंस, और ये तुम्हारी मेहनत का इनाम, पेंस मतलब जो भी तुमने दुख दर्द उठाए, मतलब जो तुमने कड़ी मेहनत की उसके लिए ये एक रूबल रखो, हेयर इज फॉर योर पेंस। आई सी, मैं देखता हूँ, यू आर सोबर, कि तुम बहुत ही शांत हो, एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और काम करने में तुम्हें किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि तुम काम करने के लिए बिल्कुल राजी हो। वाट इज़ योर नेम, अब जाके पहली बार एडवोकेट उस भिखारी से उसका नाम पूछता है। लश्कोफ, भिखारी बोलता है कि लश्कोफ नाम है मेरा। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? तो लश्कोफ, अब मैं तुम्हें कुछ और काम दे सकता हूँ जो कि एक अच्छा रोजगार है, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा ना, एक शब्द आया था मतलब जिसमें मीनियल लेबर कहा था, मीनियल लेबर मतलब ऐसा काम जिसकी की रेपुटेशन कम होती है, या समाज जिसे कम रेपुटेशन की, कम इज्जत की दृष्टि से देखता है। तो अब ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें कोई क्लीनर एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, एक अच्छा रोजगार दे सकता हूँ जिसकी की इज्जत हो समाज में, कैन यू राइट? एडवोकेट पूछता है भिखारी से, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो, तो कल ऐसा करो, इस लेटर को लेके मेरे फ्रेंड के पास जाना, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। कॉपिंग, कॉपिंग मतलब कुछ लिखना, एक काम से दूसरे काम, एक पेपर से दूसरे पेपर पे कुछ लिखना, या एक पेपर की कॉपी दूसरे पेपर पे करना, इस तरह का कुछ काम है वो, जो है तुम्हें कुछ कुछ काम वहाँ पर मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू, गुड बाय। ये एडवाइस जो है एडवोकेट लश्कोफ को देता है, भिखारी को देता है, कि कठिन परिश्रम करना है, शराब नहीं पीना है, और याद रखना है मैंने तुमसे जो भी कहा है, ठीक है, गुड बाय। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सर्जेई टैप्ड लश्कोफ। सर्जेई को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने एक आदमी को जो है अच्छी राह पे ला दिया। प्लीज्ड, प्लीज्ड एट, इस प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, और इसके साथ भी अक्सर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्लीज्ड एट। इस बात को लेके सर्जेई बहुत खुश था कि उसने एक आदमी को पुट कर दिया था, रख दिया था राइट मार्ग पे, सही मार्ग पे उसने एक आदमी को ला दिया था। इस बात की उसे खुशी हो रही थी, उस एडवोकेट को। टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर, और उसने लश्कोफ के कंधे पे धीरे से थपथपाया। मैंने बताया था ना आपको, टैप्ड द शोल्डर मतलब धीरे धीरे थपथपाना। तो सर्जेई टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जब वे अलग हो रहे थे, पार्टिंग मतलब विदाई का क्षण, अलग होने का क्षण, और जब वे दोनों अलग हो रहे थे तब उससे हाथ भी मिलाया। लश्कोफ टुक द लेटर, लश्कोफ ने लेटर अपने हाथ में लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है आगे, और उस दिन से आगे क्या हुआ फिर, केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उसके बाद से वह कभी भी यार्ड में, बाड़े में काम करने के लिए कभी नहीं आया। आगे देखते हैं अब हम। तो लेटर लेके लश्कोफ चला गया। 2 ईयर्स वेंट बाय, लगभग 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, फिर एक शाम को, एज सर्जेई वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, 2 साल बाद एक शाम को सर्जेई खड़ा हुआ था, कहाँ पे खड़ा हुआ था, एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर, थिएटर की जो टिकट विंडो होती है ना, टिकट खिड़की जो होती है, वहाँ पर सर्जेई खड़ा हुआ था और अपनी सीट के लिए पैसे अदा कर रहा था, पेइंग फॉर हिज सीट। ही नोटिस्ड, उसने देखा, अ लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी उसने देखा, बिसाइड हिम, उसके बगल में ही खड़ा हुआ था, विथ अ कॉट कॉलर ऑफ करली फर, करली मतलब क्या होता है, घुंघराले, फर मतलब
जो फर के कोट बने होते हैं ना, ठंड में बहुत ही फरदार जो कोट होते हैं उसको बोला गया है फरली कोट। करली फर जो है मतलब घुंघराले बालों से बना हुआ एक कोट पहने कोई आदमी उसके बगल में खड़ा था, बिसाइड हिम मतलब बगल में। एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, वॉर्न मतलब पहने हुआ था, वॉर्न WORN, वॉर्न मतलब पहने हुआ था। सील स्किन कैप, सील जो मछली होती है उसकी स्किन की से जो टोपी बनती है ना, उस वो एक टोपी जो है इस तरह की मछली से बनी हुई थी, उस टोपी को उसने पहन रखा था, एक कोट उसने पहन रखा था। सर जी ने एक आदमी देखा कि अपने बगल में कोई आदमी है इस तरह का पहनावा उसने पहन रखा है, तो सर जी की जो है नज़र उस व्यक्ति पे गई। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट। इस व्यक्ति ने, ये जिसने की कोट पहना हुआ था और ये जो कैप पहनी हुई थी, उसने जो है डरते डरते, टिमिड TIMID, टिमिड का मतलब होता है डरना, डरपोक जो व्यक्ति होता है ना उसे बोलते हैं टिमिड। तो धीरे धीरे डरते डरते उसने जो है टिकट सेलर से टिकट मांगा सीट के लिए। आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी, कि गैलरी में जाके जहाँ पे थिएटर में बैठेंगे, गैलरी में जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे बैठेंगे और फिल्म देखेंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए उसने जो है टिकट मांगा बिल्कुल डरते डरते। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन जो है अदा किए अपनी टिकट के लिए। लश्कोव इज दैट यू, क्राइड सरजे, अचानक सरजे चिल्लाया, अरे लश्कोव तुम। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, रिकग्नाइजिंग पहचानते हुए इन द लिटिल मैन, वह जो छोटा आदमी था उस आदमी में लश्कोव, उस आदमी में सरजे ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है मेरा लकड़ा रहा है जो मेरे यहाँ लकड़ी काटने आया करता था। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, हाउ आर यू, कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, और सब कैसा चल रहा है। ऑल राइट आई एम ए नॉटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अब मैं नोटरी का काम करता हूँ। नोटरी, नोटरी क्या होता है, अदालत जो होती है ना उनमें होता है नोटरी। और इस नोटरी का काम क्या होता है, जो अदालत के पत्र होते हैं ना, जो भी लिखा पढ़ी के काम होते हैं, लेखा पत्र जो होते हैं, उनका उनका एक प्रमाण करता है, उनको देखता है कि हाँ भाई ठीक है नहीं है, उनका प्रमाणकारी होता है, उन लेखा पत्रों का प्रमाणकारी, उसे बोलते हैं नोटरी। तो मैं नोटरी का काम करता हूँ, आई एम ए नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और एक मंथ के कितने मिलते हैं, 35 रूबल मिलते हैं। थैंक हेवन, भगवान का लाख लाख शुक्र है, एडवोकेट बोलता है, थैंक हेवन दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए, फॉर योर सेक तुम्हारे खातिर, फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे खातिर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ लश्कोव, यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम देखते हो तुम एक तरीके से मेरे धर्मपुत्र जैसे हो, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, एक तरीके से देखें, इन अ सेंस मतलब एक तरीके से अगर देखें तो तुम मेरे धर्मपुत्र हो। आई गेव यू अ पुश, मैंने ही तुम्हें धक्का दिया अलोंग द राइट पाथ कि तुम सही मार्ग पे आ सको, यू नो डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसा डांटा फटकारा था। यहाँ पे रोस्टिंग का मतलब है जो लताड़ना लगाई थी ना मैंने तुम्हें, उसके बारे में याद है तुम्हें, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड, सिंक मतलब डूब जाना, मैंने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी थी कि तुम जो है बिल्कुल जमीन में धंस गए थे, एट माई फीट दैट डे, बिल्कुल जमीन पर गिर पड़े थे तुम मेरे पैरों में, याद है तुम्हें, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, वाह यार वाह, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि तुमने मेरे शब्दों को याद रखा, थैंक यू टू सेड लश्कोव। लश्कोव ने एडवोकेट से कहा कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आया होता, इफ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आया होता देन, तो संभव है आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और स्टूडेंट, तो अब भी मैं अपने आप को टीचर या स्टूडेंट ही कह रहा होता। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो लश्कोव एडवोकेट को बोलता है कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर उस दिन मैं आपके पास नहीं आया होता तो अब भी मैं या तो अपने आप को टीचर बता रहा होता या स्टूडेंट बता रहा होता, मतलब मेरी वही हालत रही होती। इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, आज तक मेरी यही हालत रही होती कि मैं या तो अपने आप को टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता। यस हाँ, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी शरण में आके,
फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब है यहाँ पे उड़ना, उड़ने से संबंधित है। तुम्हारी शरण में जब मैं आया, तुम्हारे प्रोटेक्शन में जब मैं आया, तुम्हारे संरक्षण में जब मैं आया, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। ड्रैग्ड माई सेल्फ, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, मैंने अपने आप को घसीटा आउट ऑफ ए पिट। मैंने जब मैं तुम्हारी शरण में आया, जब मैं तुम्हारी संरक्षण में आया, तब मैंने किसी तरह से अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाला, किसी तरह से एक गड्ढे में जो मैं गिरा हुआ था, मतलब मेरा एक मॉरली पतन हो चुका था, मैं एक गिर चुका था आदमी, तो एक ऐसा लगता था मुझे जैसे किसी गड्ढे में गिरा पड़ा हूँ मैं। तो मैंने अपने आप को किसी तरह से घसीट के उस गड्ढे में से बाहर निकाला, और ये संभव वास्तव में तुम्हारी शरण में ही आके हो पाया, तुम्हारे प्रोटेक्शन में ही आके हो पाया। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, वास्तव में मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद लश्कोव बोलता है, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुमने जो अच्छे अच्छे शब्द कहे थे और जो अच्छे अच्छे काम मेरे लिए किए उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीड्स मतलब अच्छे कर्म कार्य। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही अनुग्रहित महसूस करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं तुम्हें, वेरी ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ मैं। एंड टू योर कुक, और तुम्हारे कुक वो जो लेडीज़ हुआ करती ना ओल्गा, उसके प्रति भी मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वीमेन, भगवान उस भली औरत का भला करे। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वीमेन। यू स्पॉक फाइनली देन, लश्कोव एडवोकेट से कह रहा है, तुमने तब सही कहा था। यू स्पॉक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मृत्यु के दिन तक तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। इंडेप्ट, इंडेप्ट का मतलब है कर्ज में डूबे रहना। आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, मैं अपनी मृत्यु तक तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल कठोर रूप से, लेकिन अगर बिल्कुल कठोर रूप से बोलूँ ना, मैं एकदम प्लेन शब्दों में बोलूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। अगर बिल्कुल सच्चाई कहूँ ना, तो ये तुम नहीं थे, ये तुम्हारी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। अब देखो सस्पेंस चालू होता है स्टोरी का। हाउ इज दैट, मतलब अचानक एडवोकेट को समझ में नहीं आया कि इतनी देर से तो ये मेरी बड़ाई कर रहा था, मुझे धन्यवाद दे रहा था, लेकिन फाइनली बोल रहा है कि ठीक है, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारे पास में आया, मुझे अच्छा लगा, और तुम्हारे एहसान भी हैं मेरे ऊपर, तुमने मुझे काम में लगाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ है ना, मतलब तो सबसे ज़्यादा मैं जिसका ऋणी हूँ तो वो तुम नहीं हो, वो है तुम्हारी कुक ओल्गा। तो एडवोकेट भौचक्का रह जाता है, पूछता है, हाउ इज दैट, मतलब कैसे। व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ पे लकड़ियाँ काटने आया करता था, शी यूज टू बिगिन, वो कहा करती थी। यूज टू का मतलब होता है एक ऐसा काम जो कि हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, कि जब मैं एक बच्चा था तब मैं दूध पिया करता था। आई यूज टू डू दैट, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। अब वो काम नहीं करते हम, पहले किया करते थे। तो इस तरह की जब हमें चीज़ें बतानी होती है तब यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, जब मैं तुम्हारे घर आया करता था टू चॉप वुड, लकड़ियाँ काटने, शी यूज टू बिगिन, वह कहा करती थी। ओह यू शॉट, शॉट का शॉट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो पियक्कड़ होता है ना, ड्रंकर्ड होता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं शॉट। ओह यू शॉट, अरे शराबी, यू यू मिजरेबल क्रिएचर, मिजरेबल मतलब दयनीय, या निकम्मे क्रिएचर, अरे निकम्मे प्राणी, अरे तू शराबी, अरे पियक्कड़। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, अरे तेरे लिए तो कुछ नहीं है, तेरे लिए तो बस बर्बादी बची है। एंड देन शी वुड सिट डाउन, और फिर वह बैठ जाया करती थी अपोजिट मी, मेरे अपोजिट, एंड ग्रो सैड, और उदास हो जाया करती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, वो मेरे चेहरे में देखती थी और रोती थी। ओह यू अनलकी मैन, अरे अभागी मनुष्य, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द अदर वर्ल्ड टू कम, न तो इस संसार में तेरे लिए कोई आनंद है, न उस संसार में तेरे लिए कोई आनंद होगा। मतलब उस संसार से मतलब है कि न तो तू जीते जी कुछ सुख ले पा रहा है, न मरने के बाद तुझे कोई सुख मिलेगा। बेचारी दुखी हो जाती थी, सैड हो जाती थी, गुस्सा आता था उसे। यू ड्रंकर्ड, अरे तू शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तू नरक में सड़ेगा, तू नरक में जलेगा, बर्न मतलब जलना, तू नरक में जलेगा। ओह यू अनहैप्पी वन, अरे दुखी, अरे अरे उदास आत्मा। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो कहती रहती थी, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, इसी तरह से वो कहे चली जाती थी, यू नो इन दैट स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तनाव, इस तरह के तनाव में आके वो लगातार जो है बड़बड़ाए जाती थी, बड़बड़ाए लगातार कहती चली जाती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड,
मैं कह नहीं सकता कि वह कितना दुख उठाती थी। मिजरी मतलब दुख, सफर मतलब सहन करना, कि वह कितना दुख सहन करती थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, शेड मतलब गिराना, बता नहीं सकता कि मेरे खातिर उसने कितने आंसू गिराए। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन मुख्य बात जो थी वो ये, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वह मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। ये कहानी का बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। मुख्य बात तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वह मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो, आपको पता है सर, दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने लकड़ी की एक सिंगल लकड़ी भी तुम्हारे लिए नहीं काटी, सिंगल स्टिक, एक छोटी सी लकड़ी भी मैंने आपके लिए नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने ही सब कुछ किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं किस तरह से बचा, मैं किस तरह से बदल गया, मैंने क्यों जो है शराब पीना छोड़ दिया उसकी ओर देखते हुए, मैं बता नहीं सकता। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं बता नहीं सकता कि मतलब मैं कैसे बदल गया, कैसे मैं उसकी ओर देख के, एट द साइट ऑफ, एट द साइट ऑफ का मतलब किसी नज़ारे को देखकर, जब मैं उस व्यक्ति, उस औरत को देखता था, तो मैंने पता नहीं कैसे जो है उसको देख के जो है ड्रिंकिंग करना स्टॉप कर दिया। मैं समझा नहीं सकता आपको। आई नो, आई ओनली नो दैट, मुझे सिर्फ यह पता है, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, ओइंग टू के चलते, ओइंग टू का मतलब होता है के चलते, के कारण, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके शब्दों के चलते, उसके शब्दों को देखते हुए और उसके द्वारा भले कामों, उस और उसके द्वारा किए गए भले कामों को देखते हुए, ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक पता नहीं कैसे एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। दोनों चीज़ मेरे काम आई, उसके शब्द भी और उसके द्वारा भला काम जो मेरे लिए वो करती थी, इन काम के द्वारा, उसके कहे गए शब्दों के द्वारा मेरे दिल में एक चेंज आया, एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे ठीक कर दिया और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब चलने का वक्त हो गया है। देयर गोज द बेल, शायद घंटी बज गई है, मतलब किसकी घंटी बज गई है, जो वो फिल्म देखने आए हुए थे ना थिएटर में, कि उसकी घंटी बज गई है। लश्कोफ बॉर्ड, लश्कोफ झुका, अभी लश्कोफ ने अभिवादन किया, बॉर्ड का मतलब होता है झुकना, अभिवादन करना, एंड डिपार्टेड, और प्रस्थान किया टू द गैलरी, गैलरी की ओर जो है, थिएटर की ओर उसने प्रस्थान किया। और इस तरह से हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। अब देखने की बात यह है इस कहानी में, समझने की बात यह है, जो मैसेज है इस कहानी में, कि एडवोकेट जो है इस बात को लेके बड़ा घमंड से भरा हुआ है, कि देखो मैंने इस आदमी को जो है अपने काम में लगा, मैंने मतलब किस तरह से एक आदमी का उद्धार कर दिया, कि कितना महान हूँ मैं। घमंड देखो आप उस आदमी का, मतलब वो जो एडवोकेट है कितना घमंड से भरा हुआ है, कि फाइनली जो है मैंने एक आदमी का उद्धार कर दिया, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने किसी आदमी को जो है काम में लगा दिया। लेकिन काम में किसने लगाया? उस लेडीज़ ने, जिसको कि पता भी नहीं है कि उसने किसी व्यक्ति का उद्धार कर दिया, किसी व्यक्ति में इतना बड़ा उसने बदलाव ला दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैसेज है जो अंतोन चेकोफ हमें देना चाहते हैं, कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हो ना, तो अपने घमंड से मत बदलो, अपने कुछ ऐसा करो कि उस व्यक्ति के लिए आप प्रेरणा बन जाओ, कुछ ऐसा करो कि उस व्यक्ति को देख के ही अपने आप में शर्म आए और वो बदलने पर मजबूर हो जाए। अब देखते हो आप कि कैसा एक निकम्मा आदमी हुआ करता था वो, बिल्कुल पियक्कड़, पता नहीं कैसी हालत उसकी हो गई थी, बिल्कुल भिखारी बना बना फिरता था, और आज उस लेडी ओल्गा के कारण वह एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जी रहा था, और बड़ा ही खुशहाल था, और अपने मरते दम तक वह उस ओल्गा को याद रखेगा। तो ये हमारी कहानी थी, जो कि बहुत ही अच्छी रही, लगी होगी आपको भी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी में कैसी लगी आपको और कैसी नहीं लगी। और मेरा कहना यह है कि इस तरह की कहानियाँ जो है ना, आप ज़रूर पढ़ें इनको, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये कि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट होगी इसके माध्यम से। जब आप पढ़ेंगे, लेखक के विचारों को जानेंगे, दुनिया को समझेंगे, तो धीरे धीरे एक विकास आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं।